नमस्कार दोस्तों मैं हरिंदर वी की वीजा से सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में आज का वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कनाडा जाना चाहते हैं फॉर सितंबर 2024 या जनवरी 2025 थाउजेंड के लिए तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस कनाडा स्टिल वर्थ आफ्टर रूल चेंज कि रूल चेंज हुए हैं जी डबल हुआ है और आप स्पाउस के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते हैं ट्रैवल मीन्स कि आप स्पाउस को इन्वाइट ही नहीं कर सकते हैं अगर आपका कोर्स अंडर ग्रेजुएट है या डिप्लोमा प्रोग्राम है और वर्क परमिट कुछ कॉलेजेस के बंद हुए हैं तो ये सब रूल चेंज होने के बाद कैपिंग हुई है कि इस कनाडा स्टिल वर्थ कि अभी भी कनाडा जाना वर्थ है या नहीं तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपका अल्टीमेट गोल इज़ टू सेटल डाउन इन कनाडा देन स्टिल वर्थ है कनाडा और इस पर कंडीशन एक अप्लाई होती है कि अगर आप स्पेंड कर सकते हैं टेन थाउजेंड की जगह ट्वेंटी थाउजेंड जी आई सी दैन वर्थ इट है क्योंकि वो आपका ही अमाउंट है और आपको ही वापस होगा जो ट्यूशन फ़ीस है वो लगभग सेम है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर कुछ ऐसा डिफरेंस आ गया होगा ये बात अलग है बट मेजर डिफरेंस नहीं आया और जो मेजर डिफरेंस आया है वो सिर्फ और सिर्फ जी में आया है और जी आई सी डायरेक्टली ट्वेंटी थाउजेंड था। हुआ है और अगर आप इस चीज़ को स्पेंड कर सकते हैं दैन इट्स अप टू यू और अगर आपका अल्टीमेट गोल इज टू सेटल डाउन इन कैनाडा दैन डेफिनेटली वर्थ इट है और किन स्टूडेंट्स के लिए वर्थ इट है स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जिनको मास्टर्स के लिए जाना है मास्टर्स में रिक्वायरमेंट है कि आपकी बैचलर्स होनी चाहिए और आपका आई एल सिक्स पॉइंट फाइव सेवन तक होना चाहिए आप डायरेक्टली एलिजिबल करते हैं मास्टर्स के लिए और मास्टर्स के बेनिफिट ये है कि अगर आपका मास्टर्स का कोर्स वन ईयर का भी है उसके बाद भी आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं थ्री ईयर्स के वर्क परमिट के लिए अदरवाइज ये रूल जो पहले था इसमें टू ईयर्स की स्टडी के बाद आपको थ्री ईयर्स का वर्क परमिट मिलता था बट यहाँ पर आपको वर्क परमिट के लिए सिर्फ वन ईयर की मास्टर्स देन डायरेक्टली थ्री ईयर्स ऑफ का वर्क परमिट और मास्टर्स के बेस पे आप अपने स्पाउस को भी इनवाइट कर सकते हैं एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मास्टर डिग्री कैपिंग कैटेगरी में फॉल नहीं करता है मीनस जो कैटेगरी है थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड की कैपिंग उसमें मास्टर्स डिग्री फॉल नहीं करती है तो इससे ये चीज़ समझ आती है कि वो ऐसे स्टूडेंट्स को इनवाइट करना चाहते हैं जो स्किल्ड हो, मैच्योर हो और उनकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर पाएँ वो नहीं चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स वहाँ पे आएँ जो घर से अपना Uh, मतलब जिनको uh, घर से अपना खर्चा चलाना पड़े जैसे ट्वेल्थ करके जाते हैं स्टूडेंट्स ना तो इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग होता है और ना ही इतनी समझ होती है चीज़ों की क्या चीज़ सही है क्या गलत है कैसे मैनेज करना है तो इसलिए कनाडा uh, गवर्नमेंट भी इस चीज़ को कंसीडर uh, किया है और स्पेशली द स्पाउस केस की ट्वेल्थ के बाद स्पाउस केस टोटली आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं आपको वेट करना पड़ेगा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा का उसके बाद कहीं जाके इस्पाउस को इन्वाइट कर सकते हैं तो इस वजह से भी uh, क्योंकि रिसेंटली बहुत केसेस होते हैं जहाँ पे फेक मैरिज होती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है या फिर सिर्फ इसलिए मैरिज होती है कि स्टूडेंट के पास आयल से तो इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने ये प्रिकॉशंस मेजर्स लिए हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं ताकि इन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकें तो कंक्लूज़न uh, पर आते हैं तो कैनेडा इज़ स्टिल वर्थ इट कि जो चीज़ें हमें मिल रही हैं कि आपके पास पी बहुत इजीली मिल जाती है कनाडा में अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्री से बहुत मुश्किल हो जाता है पीआर लेने के लिए बट कनाडा में जो पीआर है वो बहुत इजीली मिल जाती है स्टूडेंट्स को पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के बाद डायरेक्टली जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी चाहे वो किसी प्रोविंस की हो चाहे वो फेडरल पी हो तो पहला तो ये है और दूसरा ये है कि देखिए अभी जो हालात हैं वो थोड़े से ठीक नहीं है कनाडा में ये चीज़ तो सब जानते हैं पिछले एक डेढ़ साल से वहाँ पे जॉब्स के लिए बहुत दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स को बट आने वाले टाइम में चीज़ें ठीक हो जाएंगी ये चीज़ बिल्कुल श्योर है क्योंकि इतना डाउन ग्राफ नहीं जाएगा अब धीरे धीरे 2024 के एंड में चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी तो और उसके बाद सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी जैसे पहले थी और अगर आपने कैनाडा अप्लाई करना है कुछ ऐसी प्रोविंस हैं जैसे कि क्यूबेक है क्यूबेक में जो जी आई सी है दैट इज़ ओनली फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर्स और फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर्स के बाद अगर आप ट्यूशन फीस भी पे करते हैं जो मानकर चलिए कि टेन थाउजेंड डॉलर्स या फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर्स भी होती है तो टोटल थर्टी थाउजेंड डॉलर्स का होता है इन्वेस्टमेंट जो कि अराउंड एटीन नाइनटीन लैक्स बनता है और यही आपका एक्सपेंडिचर पहले आता था जब जी एस सी टेन थाउजेंड था और यही आपका लगभग अभी आएगा तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप जनरली इंटरेस्टेड हैं कैनेडा के लिए क्योंकि आयल्स वाला बैरियर अब नहीं है पहले था कि आयल्स में आपका ओवरऑल सिक्स पॉइंट फाइव नॉट लेस दैन सिक्स होना चाहिए था अगर आपको एस टी एस में क्वालिफ़ाई करना है बट अब ऐसा कुछ नहीं है आपका सिर्फ़ ओवरऑल सिक्स होना चाहिए ईच मॉड्यूल इंडिविजुअल मॉड्यूल जितना मर्जी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स के भी वीज़ा अप्रूव हुए हैं जिनके ओवरऑल सिक्स थे तीन मॉड्यूल में फ़ाइव पॉइंट फाइव या एक मॉड्यूल में फ़ाइव वालों के भी वीज़ा अप्रूव हुए हैं तो आयल सब बैरियर नहीं है तो वहाँ से उन्होंने बैरियर हटा कर ये दूसरी चीज़ों में लगा दिया है जी आई सी में लगा दिया है जो कि आपकी स्पेंडिंग जो पिछले इतने टाइम से टेन थाउजेंड चल रहा था तो इन्होंने डबल करने का रीज़न है क्योंकि लिविंग एक्सपेंसिस नो डाउट बढ़ चुके हैं क्राइसिस होते हैं अकोमोडेशन नहीं मिलते स्टूडेंट को तो इसलिए उन्होंने सोच समझ कर ही ये चीज़ें की और हमारे फेवर में ही ये चीज़ें और हमारा ही पैसा और हमें ही वापस मिलेगा बट येस यहाँ से एक बार इन्वेस्ट करके तो जाना ही है तो इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं मिलते हैं एक और वीडियो में धन्यवाद सभी का